आप लोग कैसे हैं। नेटखेल सुजू में आप सभी का स्वागत है। क्या दुनिया में ऐसी चीज को जानते हैं जो आप यूज करें और कभी खत्म ही ना हो? नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं होती है दुनिया में। पर अगर कैसा हो जब हम एक चीज को यूज करें और वो कभी खत्म ही ना हो तो कैसा रहेगा? वाओ, तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जो आप यूज करें लेकिन इतना सा भी नहीं खत्म हो। क्या चीज हो सकती है आप भी जानते हो। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा ट्रिक जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा और मैं वीडियो को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं अपना डेयरी मिल्क। ये हमारा डेयरी मिल्क। आपको चाहिए इसके लिए फैमिली पैक और एक नाइफ। इस पहले तो ये ट्रिक कभी आप अकेले मत करना, अपने पेरेंट के साथ करना क्योंकि इसमें नाइफ की भी जरूरत पड़ती है इसलिए। तो अब हम डेयरी मिल्क को पैकेट से बाहर निकालेंगे। तो अब हम इसे पैकेट से बाहर निकाल लेंगे। मैंने भी इसे काटने में अपने मम्मी की हेल्प ली थी। कितना बड़ा चॉकलेट है। तो अब हम इसे काउंट करते हैं इसमें कितने पीसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 8 3 24। इसमें पूरे टोटल 24 पीसेस हैं। तो हम आपको इसे कट करके दिखाएंगे लेकिन ये 24 पीसेस ही रहेंगे। ठीक है, ये कट हो चुका है। देखिए फ्रेंड, ये बीच से पूरा कट हो चुका है। अब हम इसे सीधा कट करेंगे। अब हम यहां से इसको कट कर लेंगे एक पीस। अब हम इसे एक साइड में रख के इस लंबे वाले पीस को हम यहाँ पर रख कर ऐसे सटा देंगे। और ये देखिए हमारा, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये चॉकलेट फिर से कंप्लीट हो चुका है। बल्कि एक पीस तो इसका यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए तो जरा, कंप्लीट हो गया ना, ये एक मैजिक होगी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉफी को हम खाया ना तब भी ये चॉकलेट पूरा बचा हुआ है ना। एक कमाल की मैजिक ट्रिक, ये आप भी अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा मैजिक कैसा लगा? ये यूज करने के बाद भी पूरा का पूरा बचा हुआ है, बल्कि मैंने एक पीस खा भी लिया। तो अच्छा था ना ये मैजिक ट्रिक। ये आप लोग भी अपने घर पर इसे जरूर ट्राई करना। अगर आपको ये मेरा मैजिक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मेरा एग्जाम है इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके एक मेरा एग्जाम टाइम वीडियो जरूर देखना। उससे आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। तब तक के लिए बाय 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 बाय।